अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम होम पी के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है ये वसीम का बर्थडे था और हम लोग बाहर खाना खाने के लिए गए, और इससे पहले जो है ना अब्दुल्ला का भी बर्थडे था। तो अब्दुल्ला की बर्थडे की वीडियो भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन मेरा यह है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ आपको अब्दुल्ला के जो गिफ्ट्स हैं ना वो भी सारे दिखाऊँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बच्चों की जो शॉपिंग है, क्योंकि इसको काफ़ी सारे जो कपड़े मिले तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। लेकिन इससे पहले ये एक दिन बाद जो है वसीम का बर्थडे था, तो हम लोग चले गए भटकड़ा ही। बहुत सोचने के बाद जो है ना हम भटकड़ा ही पे पहुंच गए। वैसे हमारा प्लान तो कहीं और का था, लेकिन एट द एंड हमने भटकड़ा ही चूज़ किया। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे, लेकिन जो है ना जब आपके बच्चे हो जाए ना, तो आप जो है बच्चों की ही बर्थडेज को ग्रैंड सेलिब्रेट करती हैं, अपनी बर्थडेज इसी तरह सेलिब्रेट होती हैं आपस में ही। तो बस हमने ये लंच कर लिया, हम बाहर निकले थे तो ये लंच कर लिया, और लंच भी सिंपल ही किया, कोई इतना खास नहीं था। इनकी ये जो देसी घी में बनी हुई कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई और चिकन कबाब वगैरह मंगवाए, और सबको पता होगा कि भट कढ़ाई तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनके खाने का। कुछ बच्चों के लिए फ्राइज़ थे। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में तो अब हर सिटी में भट कढ़ाई है, और अगर आपने क्वालिटी खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, तो आप भट कढ़ाई से खा सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम अगर भटकड़ा ही जाएं या मैकडोनल्ड्स वाली साइड पे जाएं तो हम मैकडोनल्ड्स ना जाएं। तो उसके बाद हम आइसक्रीम खाने के लिए मैकडोनल्ड्स आ गए, और दूसरा बच्चों को डोनल्ड्स का प्ले एरिया बहुत पसंद है, तो इससे ये हो जाता है कि बच्चे जो है थोड़ा सा खेल भी लेते हैं और आइसक्रीम खा ली। और हालांकि ये अभी विंटर स्टार्ट हो चुका है, आइसक्रीम ठीक नहीं थी, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं कि अगर हम खाएँ और बच्चे ना खाएँ। तो अब्दुल्ला के तो संडे फेवरेट है, तो अब्दुल्ला ने संडे खाई और फातिमा ने कौन खाई, हमने भी संडे खाई, और इसी तरह हमने जो है ना अपना ये डे इंजॉय कर लिया। और ये बच्चों का कुछ खेलने की वीडियो है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ हर वीडियो में बने रहा करें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.